हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इंडियन रेलवे की ओर से ऑफिसर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आप इस भर्ती में किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। और अगर आप 12वीं पास है, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। और जो इस भर्ती की सबसे बड़ी बात होगी, इसमें आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। और जो आपको आवेदन फिल करना है, ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, प्लस आपको ये बताऊँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं, तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उसका रिक्रूटमेंट और उनका सन्नी में वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो यार प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखें फ्रेंड्स, आपको जहाँ पर पोस्ट नेम मिलेगा, तो टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो रहेगा, ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड, जो आज क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए 25, बी 21, सी 23, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो, नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज यार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता कर जाना। अगर फ्रेंड्स इसके पे स्केल की बात करें, 5200 से लेकर 20200 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल, यानी कि आपकी सैलरी भी रहेगी। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें, तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको उसमें 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप OBC कैंडिडेट है, जो आपको यहाँ पर एज रहेगी आपकी 18 ईयर से लेकर 28 ईयर तक काउंट की जाएगी, यानी 25 प्लस 3 ईयर की आपको छूट दे दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, तो यार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए 250 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा। इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप 12वीं पास है, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगा, यानी कि जो आप 10वीं और 12वीं के डॉक्यूमेंट इनके पास सेंड करेंगे, यानी कि जो आप फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट, तो उन्हीं के आधार पर एक मेरिट बनेगा। अगर उस मेरिट में आपका चयन होता है तो आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स, इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 26 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 26 नवंबर 2019 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सम इम्पोर्टेंट लिंक्स। आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पर 300 प्लस लाइक आते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर दो लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका अब भी कोई क्वेश्चन है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।